स्पेशल एडिशन की आपको जो मेंशनिंग है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। चेंज की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में जो एक क्रोम है वो आपको ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। सो कुछ कार्बन सी फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी रियर का जो ग्रैब होल्डर है वो भी आपको बॉडी कलर्ड मिलने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ होंडा एक्टिवा 110 के स्पेशल एडिशन के बारे में। सो 2023 में आपको एक्टिवा 110 का एक न्यू एडिशन यानी कि स्पेशल एडिशन देखने को मिलने वाला है। सो डिटेल में बैकग्राउंड रिव्यू करूंगा कि क्या इस स्कूटर का आपको प्राइस देखने को मिलेगा, क्या न्यू चेंजेस होंडा ने इस स्कूटर में कर दिए हैं, कितना प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, और अगर आप इस स्कूटर को बाय करने का प्लान कर रहे हो तो क्या ईएमआई के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, क्या डाउन पेमेंट रहेगी, उन सभी चीज़ों की बातें डेफिनेटली इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप इस स्कूटर को बाय करने का प्लान कर रहे हो। सो बिना देरी किए हुए करते हैं इस स्कूटर का टेल वॉक अराउंड रिव्यू। सो अगर मैं बात करूँ इस स्कूटर के डिजाइनर लुक से, तो अच्छा खासा आपको स्पोर्टियर कॉम्पैक्ट सा प्रीमियम सा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इस स्कूटर के सेल्स फिगर इतने अच्छे हैं कि अभी तक इस स्कूटर के सेल्स फिगर को कोई बीट नहीं कर पाया है। होंडा का सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर है ये। सो की से स्टार्ट कर लेते हैं कि की में कुछ क्या नया है या नहीं। सो की का जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस टाइप का मिलने वाला है, बाकी अच्छी खासी आपको लॉन्ग की मिल जाती है। सो की वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले स्पेशल एडिशन में। सो की को कर देते हैं इंसर्ट और चेकआउट करते हैं कि क्या हेडलैम्प सेक्शन में कुछ चेंज किया है या नहीं। सो फुल LED सेटअप मिल जाता है, बाकी डिज़ाइन वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, अच्छी खासी आपको विजिबिलिटी मिल जाती है। क्रोम की फिनिशिंग आपको इनसाइड में देखने को मिलेगी, सो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हेडलैम्प सेक्शन आपको मिलने वाले हैं। बाकी ब्लू कलर जो है वो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, सो डार्क ब्लू कलर यहाँ पे अवेलेबल होगा। प्रीमियम एडिशन आपको दो कलर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल होगा, एक मिलेगा आपको डार्क ब्लू कलर और दूसरा मिलने वाला है मैट ब्लैक कलर। सो इस टाइप का जो कलर है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। बाकी कलर थोड़ा गंदा है तो डिटेल में बात करने वाले हैं ब्लू कलर की। सो दो कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो फ्रंट के लुक से जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अच्छा खासा आपको कॉम्पैक्ट सा प्रीमियम सा डिज़ाइन मिल जाता है। साइड इंडिकेटर जो है वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ अवेलेबल होंगे, बाकी साइड मिरर जो है वो आपको कुछ इस टाइप के यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। सो अच्छा खासा आपको स्पोर्टियर सा जो डिज़ाइन है वो आपको साइड मिरर्स में मिल जाता है। सो फ्रंट से अगर मैं एप्रन की बात करूँ तो होंडा की आपको मैचिंग मिल जाती है, नंबर प्लेट का ब्रैकेट मिल जाता है। चेंज की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में जो एक क्रोम है वो आपको ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। सो इस टाइप का जो डिज़ाइन है वो रहेगा, यहाँ पर आपको कुछ स्पोर्टियर सा डिज़ाइन मिल जाता है, ये आपको फाइबर के साथ अवेलेबल होगा। बाकी साइड की प्रोफाइल को अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं न्यू ग्राफिक्स। सो कुछ कार्बन सी फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है, कुछ इस टाइप का जो थीम है जो आपको ग्राफिक्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो इस साइड में आपको जो स्ट्रिप है वो आपको कुछ ग्रे कलर की फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगी। सो एक नया चेंज आपको क्रोम और यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो आपको अच्छा खासा शार्प मिल जाता है, ड्यूल टोन की फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपको बॉडी कलर और इस साइड में आपको ब्लैक जो फिनिशिंग है वो देखने को मिलेगी है। बाकी फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 90x90 का टायर सेक्शन, अलॉय व्हील्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। बाकी फ्रंट साइड में आपको मिलेगी टेलीस्कोपिक यूनिट, गियर फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होने वाली है। बाकी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ जो स्कूटर आपको पहले भी मिलता था और अभी भी अवेलेबल होने वाला है। बाकी साइड से अगर मैं बात करूँ तो स्पेशल एडिशन की आपको जो मैंशनिंग है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। बाकी साइड में जो ग्राफिक्स हैं वो भी आपको सेम ही मिलने वाले हैं, अच्छा खासा आपको लैग स्पेस मिल जाता है। सो आप इजिली जो आपका सामान है वो आप यहाँ पे कैरी कर पाओगे, चाहे वो डेली यूज़ का सामान हो, सब्जी हो, ईजिली जो आपको स्पेस है वो आपको अच्छा खासा लैग स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। सो अगर मैं बात करूँ इस वाली प्रोफाइल से तो यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिशिंग, ये वाला पूरा जो पोर्शन है वो आपको बॉडी कलर मिलने वाला है। सो ब्लू फिनिशिंग यहाँ पर आपको मिलने वाली है। एक्टिवा के आपको जो 3D बैजिंग है वो भी आपको ब्लैक क्रोम फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगी। सो ये यहाँ पर आपको ग्राफिक्स जो है वो न्यू मिलने वाले हैं, स्टिप्स जो है वो आपको पूरी यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है। बाकी इंजन जो है वो आपको फुल ब्लैकआउट यहाँ पर अवेलेबल होगा। इंजन की स्पेक्स और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो 109.5 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है। अगर बात करूं मैं टॉर्क की तो 8.9 एनएम का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो ये इंजन जनरेट करता है। बाकी आपको 160 एमएम की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने मिलेगी। आपको मिडल स्टैंड और जो साइड स्टैंड है वो दोनों ही अवेलेबल होंगे। बाकी अगर बात करें सीट की तो अच्छी खासी आपको लॉन्ग सीट मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा वेल पैडेड अच्छी खासी सीट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। बाकी रियर का जो ग्रैब होल्डर है वो भी आपको बॉडी कलर्ड मिलने वाला है। सो ये भी जो है वो आपको डार्क ब्लू फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। E20 का आपको जो स्टिकरिंग है वो यहाँ पे मिलेगी। इस साइड में आपको एक्टिवा की 3D बैजिंग मिल जाती है। इंजन, एग्जॉस्ट, सारी जो चीज़ें हैं आपको ब्लैकआउट यहाँ पे अवेलेबल होने वाली हैं। सो ब्लैक कलर अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो डेफिनेटली आप इस एडिशन को कंसिडर कर सकते हो। बाकी आपको होंडा की जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का रहेगा। बाकी अच्छा खासा आपको बिग साइज़ के जो टेल लैम्प सेक्शन है वो अवेलेबल होंगे, हैलोजन बल्ब के साथ ही अवेलेबल होंगे। साइड इंडिकेटर्स आपको हैलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलेंगे। बाकी साइड में आपको जो रियर का फेंडर है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। रियर साइड में आपको मिलने वाला है 100x90 का टायर सेक्शन। फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 12 इंचेस के अलॉय व्हील्स और रियर साइड में आपको मिलने वाले हैं 10 इंचेस के अलॉय व्हील्स। सो डिज़ाइन जो है वो कुछ इस टाइप का यहाँ पे देखने में मिलने वाला है। बाकी अगर मैं बात करूँ
मीटर कंसोल की, तो अच्छा खासा आपको बिग जो मीटर कंसोल है वो अवेलेबल होगा। एनालॉग ही देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको, कोई भी जो डिजिटल डिस्प्ले है वो देखने को नहीं मिलने वाली। सो यहाँ पर आपको मिल जाता है हाई बीम लो बीम। क्वालिटी थोड़ी सी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है। सो यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम साइड इंडिकेटर साउंड, इस साइड में आपको मिल जाता है इंजन किल स्विच, बाकी ऑडोमीटर्स की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, स्पीडोमीटर्स की डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी, बाकी फ्यूल की जो इंडिकेशन वो भी आपको एनालॉग यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। बाकी मीटर कंसोल में आपको कोई भी जो जैसा कि मैंने बताया डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे अवेलेबल नहीं होने वाली। अब अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, तो पिछले मॉडल के कंपेयर में यानी कि स्टैंडर्ड मॉडल में और इस मॉडल में आपको जो प्राइस का डिफरेंस है वो मिलने वाला है अराउंड 2500 का। तो 2500 के प्राइस के डिफरेंस में आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे अलॉय व्हील्स, न्यू पेंट थीम आपको मिलेगी, कलर ग्राफिक्स मिलने वाले हैं, होंडा एक्टिवा की जो बैजिंग है वो आपको ब्लैक क्रोम फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होने वाली है। सो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस स्कूटर का जो ऑन रोड प्राइस है वो रहेगा अराउंड 97,000 के करीब, जो ये न्यू स्पेशल एडिशन है उसका ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ डाउन पेमेंट की और ईएमआई ऑप्शंस की, तो अगर आप 16,500 के डाउन पेमेंट करते हो, मैंने एक एवरेज अमाउंट ले लिया है, बट आपकी जो डाउन पेमेंट है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है आपके सिविल स्कोर पे। तो सिविल स्कोर वाइज आपको जो डाउन पेमेंट है उसमें आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है। सो मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लिया है। सो अगर आप 16,500 के डाउन पेमेंट करते हो, इस स्कूटर को फाइनेंस कराते हो एक साल के लिए, तो आपको पर मंथ जो ईएमआई है वो देखने को मिलेगी 7800 रुपये की। 18 मंथ के लिए फाइनेंस कराते हो तो 5400 रुपये। 24 मंथ्स के लिए अगर आप इस स्कूटर को फाइनेंस कराते हो 4220 रुपये। और 36 मंथ्स के लिए अगर आप इस स्कूटर को फाइनेंस कराते हो तो 3031 रुपये का जो अमाउंट है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। बाकी एग्जैक्ट प्राइसिंग की डिटेल्स और ईएमआई की डिटेल्स आप अपने नियर बाय शोरूम से ले सकते हो। तो अप्रॉक्स आइडिया मैंने आपको प्राइसिंग का दे दिया है, बाकी सिटी वाइज डेफिनेटली आपको प्राइस का जो वेरिएशन है वो डेफिनेटली मिलने वाला है। बाकी ये था इस स्कूटर का स्पेशल एडिशन। सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको स्पेशल एडिशन कैसा लगा, प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपको जस्टिफाई लगा या नहीं, और अगर इस स्कूटर से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं उन क्वेश्चंस का जरूर रिप्लाई करूंगा। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।